नैतिकता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गप्पाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे, ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और देखिएगा, इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। साथियों, अभी चुनाव के दो चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में एनडीए गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं, ये हाल है इनकी। और इसलिए एनडीए गठबंधन बोगलाट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। जिसे ये मोहब्बत की दुकान कहते थे वो दरअसल फेक फैक्ट्री है। कांग्रेस के वीडियो फेक, कांग्रेस की बातें फेक, कांग्रेस के वादे फेक, कांग्रेस के नारे फेक, कांग्रेस की नीयत फेक। और लड़ना है, मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है, अरे आओ ना यार, दो दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। कुछ पल लोगों को आप गुमराह कर पाओगे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी सजा भी ये देश आपको देगा। साथियों, इन लोगों ने चलाया है, मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण, अरे उनको मालूम नहीं आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली, एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी, जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही, लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण। अरे कांग्रेस वाले, उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है,
उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो हिम्मत हो तो, नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी, उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया, रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा, क्या चलेगा, क्या ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन की मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे देश को, लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, घोषित करे। दूसरी घोषणा करे, एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा, नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना आप मीडिया का, उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। पर भाइयों, तमें गुजराती हो, मने मोटो करो जन, तमे चिंता करो, हा एमनो खेल पूरो जा वक्त। साथियों, आ चूंटणी में मारे एवा लोग साथियों जोड़े बात करनी छे, खास करीने जेमनी उम्र 35-40-45 हवे, जे लोको पहली बार 18 वर्षना थया छे, मत मळ्या छे, एमने पहलानी देशनी शुं दशा हती एनी खबर ज नहीं होय। कारण जेने हवे पहलो वोट मळ्यो हशे, ये हूँ ज्यारे प्रधानमंत्री बन्यो एला पहला तो बिचारो 8 वर्षनो होय, 10 वर्षनो होय, 12 वर्षनो होय,
એને એ વખતે શું દશા હતી દેશની ખબર જ નહીં હોય. એકવાર જરા આજકાલની પેઢી તો ગૂગલ વાળી છે ને, જરા ગૂગલ પર જઈને જૂના છાપા શોધજો, હેડલાઈન ચોરી લૂંટ આ જ આવતી હતી. અને આજે શું સમાચાર આવે છે? આટલા પકડ્યા, આટલા કરોડ કબજે કર્યા, આટલા જેલમાં નાખ્યા, અને એનો જ ફફડાટ છે આ. તમે મને કહો ભાઈ, આ દેશના લોકોની કાળી મજૂરી કરીને જે ટેક્સ આપ્યો હોય એને હું લૂંટવા દઉં? લૂંટવા દેવાય? અને આ લૂંટારાઉન ઠીક કરવા જોઈએ કે ના કરવા જોઈએ? હવે હું એક કામ કરું છું, મારો વાળ ખેંચે છે. તમને આશ્ચર્ય થશે સાથીઓ, આ વખતે કોંગ્રેસની સ્થિતિ એવી છે, તમારે સરકાર બનાવી હોય ને તો ઓછામાં ઓછી 272 સીટો તો એમપી જોઈએ તમારી પાસે. અમારી સિવાય, ભાજપ સિવાય આ દેશમાં એક પણ પોલિટિકલ પાર્ટી, કોંગ્રેસ પણ 272 લડાવતા જ નથી. બોલો, એટલે તમે 272 લડાવતા નથી અને કોઈ અમે સરકાર બનાવીશું? આજે તો એમની સ્થિતિ એવી છે કે આ એમનો જે શાહી પરિવાર છે ને, દિલ્હીમાં રહે છે, એમની દશા એવી છે કે પોતે આ વખતે કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે બોલો. આ મોદી સાહેબની કમાળ જ છે ને, શાહી પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ જ નહીં આપીએ કે આ વખતે ત્યાં કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર જ નથી. અહીંયા આપણા ત્યાં ગુજરાતના મોટા નેતા હતા અહેમદભાઈ. અહેમદભાઈ તો હવે રહ્યા નહીં, અહેમદભાઈનું પરિવાર ભરૂચમાં રહે છે. એમની દશા એવી, કોંગ્રેસને મત નહીં આપે. અહેમદભાઈનું પરિવાર કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપીએ કે કોંગ્રેસના એક મોટા નેતા બનતા સુધી ભાવનગરમાં જ રહેતા હશે, મત એમનો ભાવનગરમાં જ હશે. એ